मुझे ये बनारस का वो मीठा है जो ओनली 3 महीना सिर्फ 90 दिन ये सर्दियों में इसलिए बनता है कि ये हॉप से बनता है। दूध को उबाल कर हम लोग रात में जो है छत पर रखा जाता है कपड़े से। हाँ जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। महादेव कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग है गदौलिया और अभी हम लोग का प्लान था कि कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाए, बट अभी बहुत ठंडी लग रही है तो अभी चाय ट्राई किया जाएगा पहले तो, और चलते चाय की दुकान पे। चाय का अलग ही मजा है। और अभी लोग यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा मलाइयो ट्राई करने का इरादा बन गया है क्योंकि यहाँ भैया ने पिछले जो बताया कि मसाला चौक पे है। तो स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में, और अभी हम लोग जा रहे हैं मलियो ट्राई करने शॉप पे जो कि बहुत फेमस है। तो आइए दुकान पे मिलते हैं और दिखाते हैं क्या प्राइस है और कैसा टेस्ट है। तो आ चुके हैं भैया के शॉप पे और यहाँ पे मलाइयो ट्राई करने जा रहे हैं, और ये हैं भैया। और मलाइयो लगा दिए हैं। बनारस का वो मीठा है जो ओनली 3 महीना सिर्फ 90 दिन ये सर्दियों में इसलिए बनता है कि ये हॉप से बनता है। दूध को उबाल कर हम लोग रात में जो है छत पर रखा जाता है कपड़े से पूरा पैक करके, जो ओस गिरता है उससे बूंद बनता है, वो बूंद एक एक बूंद दूध में जाता है, उससे दूध एकदम फील्ड हो जाता है। फिर उसको 2 बजे रात को हम लोग छत पर कढ़ाई में रख के मखानी भी उसको पीटा जाता है। तो बनाने का ही सबसे ज़्यादा मेहनत है, और बॉडी के लिए ये समझ लीजिए एक प्रकार का अमृत है। इसको खाने से आप की अगर आँख की रोशनी कमज़ोर है तो वो सही हो जाएगी, लीवर कमज़ोर है 2 महीना अगर आप खा लेंगे तो आपके चेहरे पे गुलाब के फूल के तरह लाली आ जाएगी, इसकी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दिल्ली में इसको चांदनी चौक में दौलत की चाट बोलते हैं जो कि क्रीम पर बनता है, और यहाँ पर ये रियल मलाई है जो प्योर दूध और रबड़ी मलाई से बनता है, इससे कोई मिलावट नहीं। भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? एक नंबर। और जाते ही मतलब कैसा खाने के बाद जो है स्वर्ग की अनुभूति हुई है, तो इससे बढ़िया हम तो भैया यहाँ मलियो पहली बार खाए हैं? यहाँ हम हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, और जो है ये आपको जो क्वालिटी देते हैं भैया आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगता है खाने के बाद। कहते हैं कि इसको खाने के बाद आपकी आंखों की रोशनी है बढ़ेगी, बढ़ती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।